मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास 7 सिविक्स चैप्टर फर्स्ट थर्ड सेशन। तो हम लोग का इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। इससे पहले हम लोग इक्वलिटी के बारे में पढ़े थे कि इक्वलिटी क्या है। तो इक्वलिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसकी ये पूरी सोसाइटी को एक समान मानता है, इक्वल मानता है कि कोई भी सोसाइटी में किसी भी साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी को भी डिफरेंट अलग नहीं माना जाए, कोई अपर नहीं कोई लोअर नहीं है, सर ऑल आर इक्वल। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी की। डिग्निटी का फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्निटी क्या है? तो डिग्निटी मीन्स की सेल्फ रेस्पेक्ट, गौरव। डिग्निटी मीन्स होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। डिग्निटी मीन्स होता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स हमारा गौरव, हमारा खुद की हमारा आत्म, हमारा खुद का रेस्पेक्ट क्या है, हमारा आत्म सम्मान। तो डिग्निटी तब वायलेट होता है जब सब किसी को भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, जब किसी को एक समान नहीं माना जाता है, तब उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को हम वायलेट करते हैं, डिग्निटी को हम वायलेट करते हैं। तो अब हम क्या, तो उनके डिग्निटी को हम किस तरह से वायलेट करते हैं? तो उनके डिग्निटी को वायलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दियर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दियर बैकग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ दियर एजुकेशन। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे हम किसी के भी डिग्निटी को वायलेट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दियर कास्ट, वो किस कास्ट से रिलेटेड है, उनका बैकग्राउंड क्या है, मीन्स कि वो रिच है या वो पुअर है, वो एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, वो किस तरह किस बैकग्राउंड से आते हैं, इसके बेसिस पे उनका रिलीजन क्या है, उनका रिलीजन क्या है, वो किस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो इन सारी चीजों पे बेसिस पे किसी की भी डिग्निटी को वायलेट किया जाता है, मीन्स कि उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, उनकी इंसल्ट की जाती है। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे एग्जाम्पल में अंसारी का और वाल्मीकि का, हम लोग वीडियो पढ़े थे, उस वीडियो में था कि अंसारी जो कि उनका रिलीजन अलग था, अलग रिलीजन होने की वजह से कोई उनको रूम रेंट पे नहीं दे रहा था, और वाल्मीकि का हम लोग वीडियो पढ़े थे जिसमें था कि वो अलग, वो एक लोअर कास्ट के थे, दलित कास्ट के थे, जिसकी वजह से उनको स्कूल में जर्सिप करवाया जा रहा था, झाड़ू लगवाया जा रहा था। तो उनके कास्ट की वजह से, उनके रिलीजन की वजह से उनके साथ उनका इंसल्ट किया जा रहा था। तो यही था कि उनके डिग्निटी को वॉयलेट किया जा रहा था। तो हमारा कास्ट, तो इस तरह से जो डिग्निटी को वॉयलेट किया जाता है ये सही नहीं है। हर किसी के पास इक्वल राइट है कि वो उसका खुद का डिग्निटी, उसका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट हो। एवरीवन हैज इट्स ओन डिग्निटी। हर किसी का खुद का डिग्निटी होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। जैसे कि अंसारी का सेल्फ रेस्पेक्ट था कि वो अपना नाम बदलने से इनकार कर दिए कि नहीं मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, मैं इसी नाम पे अपना रूम ढूंढूंगा। तो ये उनका सेल्फ रेस्पेक्ट था, उनका वो डिग्निटी था। वाल्मीकि जो थे उनको कास्ट के बेसिस पे उनसे झाड़ू लगवाया गया, तो उनके पिता उनके सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़े स्कूल में आकर, उसके टीचर को उन्होंने डांटा कि ये दलित है, या फिर किसी भी कास्ट का अगर स्कूल में आता है तो इसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह से उनके किसी भी रिलीजन से, किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी उनके डिग्निटी को हार्म नहीं पहुंचा सकता है, सभी के पास खुद का डिग्निटी होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, तो हम लोग इक्वलिटी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, कि इंडियन डेमोक्रेसी में किस तरह से इक्वलिटी है। तो सबसे पहले इंडियन डेमोक्रेसी इक्वलिटी में, कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इक्वलिटी। तो हमारे डेमोक्रेसी में किस तरह से, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी को क्या पोजिशन दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उन सब का एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। तो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किसे कहते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इज अ डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट है दैट लेज डाउन
बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें कुछ मूलभूत रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट. वो जो रूल्स होते हैं डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो एक डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं. वो रूल्स रेगुलेशन पीपल के लिए भी होते हैं और गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं, दोनों के लिए रूल्स होते हैं. इन द कंट्री टू फॉलो, कंट्री में सभी को फॉलो कर, कंट्री टू फॉलो, ये गवर्नमेंट के लिए भी है और ये पीपल के लिए भी है. ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिख दिए गए वो केवल लोग पीपल ही फॉलो करेंगे, लोग ही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं. पीपल भी उसको फॉलो करेगी और उसमें जो रूल्स लिखा गया उसको गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी, ताकि गवर्नमेंट जो कि कंट्री को चलाती है, लोग जो कंट्री में रहते हैं, दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बने हुए और दोनों उसी के अकॉर्डिंग उसी रूल्स को वो फॉलो करते हैं. तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. की कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि रूल्स लिखे हुए थे और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री गवर्नमेंट जब वो किसी भी कंट्री को चलाती है, रन करती है. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट फीचर है वो है इक्वालिटी. इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी को इक्वालिटी का राइट दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इक्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सभी इक्वालिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी लोग एक समान है, सभी लोग इक्वल है. ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है. इक्वालिटी सभी के लिए, इक्वालिटी एक समान है. मीन्स की चाहे वो देश का, कंट्री का वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई दलित हो, सभी लोग इसके लिए एक समान है. कॉन्स्टिट्यूशन सभी को एक समान मानता है. तो जो इक्वालिटी है वो सभी के लिए एक समान है, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, जेंडर किसी भी जेंडर के, वो मेल हो या फीमेल हो, वो इक्वल है. वो किसी भी कास्ट के हो, अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, किसी भी कास्ट के हो, वो इक्वल है. वो कोई भी लैंग्वेज बोले, वो कोई भी लैंग्वेज बोले, वो किसी भी रीजन में हो, किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी इक्वल है, सभी एक समान है. कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो किसी भी रीजन के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट के हो, वो एक समान है. सभी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी एक समान है. अब देश में, कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा इक्वालिटी देता है, तो इसे गवर्नमेंट जो है इस इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए, कुछ प्रोविजंस की हुई है. तो यहाँ पे हम प्रोविजंस के बारे में, रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, मीन्स की कंट्री में इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ प्रोविजंस बनाए, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज दिया गया. पहला प्रोविजन है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मींस कि सभी लोग जो है वो कानून के अंदर लॉ के लिए सभी लोग एक समान है. अगर कोई भी क्राइम करने पर सभी को एक समान ही पनिशमेंट मिलेगी. अगर कोई भी रिच क्राइम करता है, अगर चोरी का क्राइम करता है, और कोई एक पुअर भी अगर चोरी का क्राइम करता है, तो दोनों को एक समान पनिशमेंट ही मिलेगी. तो इसीलिए हमारा जो लॉ है, लॉ के लिए सभी पर्सन इक्वल है. लॉ के लिए कोई ऐसा नहीं कि अगर वो रिच है उसके पास ज्यादा पैसा है, और अगर वो चोरी का क्राइम करता है तो उसको कम पनिशमेंट मिलेगी, और अगर कोई पुअर है और वो भी चोरी ही करता है तो उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है. लॉ के लिए सभी लोग इक्वल है, चाहे वो अपर, चाहे वो रिच हो या फिर वो पुअर हो, वो कितने भी वो अपर कास्ट के हो या फिर लोअर कास्ट के हो, लॉ के लिए सभी लोग एक समान है, सभी लोग इक्वल है. इसका सेकंड प्रोविजन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन. नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव. तो नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, सभी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी प्लेस के हो, कहीं भी उन्होंने जन्म लिया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है. किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. लॉ के लिए सभी सभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को एक समान माना जाएगा. किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन
नहीं किया जाएगा, सभी एक समान है, सभी इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। थर्ड यहाँ पे हम ला सके, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।